नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार या सच में गरीब हो गई है या गरीब होने का नाटक कर रही है। इस वीडियो को जब आप लोग अंत तक देखोगे तो पूरा का पूरा समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहला चीज़, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमारे जो नागरिक है वो हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसके कारण से कुछ जो शिलान्यास किस कुछ काम का हो गया था, जैसे कि मुख्यमंत्री निवास हो गया, विधानसभा भवन हो गया और मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस, इन सभी का जो निर्माण कार्य है उसको फिलहाल रोक लगाया जा रहा है या उनको निरस्त किया जा रहा है। इस प्रकार का उन्होंने क्या कर दिया है, नोटिस निकाला है। इसमें लिखा गया है जो नया जो विधानसभा भवन बन रहा था उसकी जो टोटल लागत था 245.16 करोड़ रुपए, उस पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही साथ सेक्टर 25 नया रायपुर अटल नगर में नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण कार्य जो कि 118 करोड़ का था, उस पर भी क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। मतलब समझो, यहाँ पर ये शो करने का कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, छत्तीसगढ़ जो है अभी घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पहलू पर कि क्या सच में छत्तीसगढ़ जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है दारू या शराब। छत्तीसगढ़ सरकार, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, होम डिलीवरी शुरू कर दिया है कोरोना का कहूँ या तो फिर शराब का, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों एक ही चीज़ है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर लो होती है और आज के डेट में हर कोई बोल रहा है कि आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, ना कि इम्यूनिटी को घटाना है। अगर आप शराब पियोगे तो आपका इम्यूनिटी घटेगा। मैंने एक अपना यूट्यूब जो है उस पर एक सर्वे करवाया था जिसमें अब तक लगभग 3800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 3800 लोगों के जो अलग अलग विचार हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो, उसमें मैक्सिमम लोगों ने कि ये जो निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी करने का वो गलत है, 25% लोगों ने इसको सही माना है और 11% लोगों का कहना है कि हमको इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, यहाँ नीचे कमेंट आप सभी जाकर के पढ़िएगा, लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे हुए हैं। एक्चुअल में आपको एक चीज़ बता दूँ, जो शराब है वो कोई भी चाहे राज्य हो या केंद्र हो उसको इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है, नो डाउट। अगर हम सभी बात करें 2 मई 2020 तक का, मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2 मई 2020 तक का, तो विधानसभा में एक क्वेश्चन चल रहा था, उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए मोहम्मद अकबर ने जो जवाब दिया था उसको मैं आप सभी को सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि देसी मदिरा की फुटकर बिक्री पर प्रति नग 10 रुपये की दर से 198,19,98,000 रुपये की आय हुई थी, आज से एक साल पहले का ना। और इसके अलावा 15 मई 2020 के आदेश अनुसार विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री पर 10% की दर से विशेष कोरोना शुल्क के कारण क्या हुआ था, 166,55,38,800 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार को फायदा हुआ था। टोटल अगर मिला दिया जाए तो 364,75,00,000 रुपये का कमाई हुआ था। और एक चीज़ बता दूँ, इसका ये खुद न्यूज़ में आया हुआ है, न्यूज़ 18 का इन्होंने लिखा हुआ है, शराब पर कोरोना शुल्क लगाकर भूपेश बघेल सरकार ने 334 करोड़ रुपए के आसपास कमाए और उसका अभी तक कहीं कोई खर्च नहीं किया गया है। तो ये दो निर्माण कार्य आपको दिखाया गया ना, और ये दो निर्माण कार्य भी अगर दोनों को मैं मिला दूँ तो 334 करोड़ रुपये लगभग पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ शराब बेच करके कमा लिए और उस पैसे का कहीं कुछ नहीं हुआ, वो पैसा अभी भी होल्ड है, समझिए। साथ ही साथ ये कब का कहानी है, 2 मई 2020 तक का, आज चल रहा है, आज का अगर बात करूँ तो 2021 चल रहा है, मई का ही महीना है। हजारों करोड़ से ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब बेच करके कमा ली होगी। अब तो छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी शुरू हो गया शराब का, मतलब कई सारे शराबियों को ये लग रहा होगा कि हाँ, मैं अपने छत्तीसगढ़ सरकार की इकोनॉमी बूस्ट करने पर लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप छत्तीसगढ़ सरकार चलाने वालों की इकोनॉमी बूस्ट करने में लगे हुए हो, समझिएगा। ये सब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है, शराब से कितना फ़ायदा हुआ उसको छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी नहीं बता रही है। और एक चीज़, अभी होम डिलीवरी का हर एक से 100-100 रुपये लिया जाएगा, उससे भी फ़ायदा होगा, उसका भी क्या होगा भगवान जाने, देखेंगे जब कोई फिर से RTI लगाएगा या विधानसभा में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको। सेकेंड चीज़ चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, जो अभी हम लोग कोविडशील्ड, एक चीज़ बताऊँ, कोरोना का दो टीका लग रहा है, मतलब दो प्रकार के टीका है, एक कोवैक्सीन है, एक और कोविडशील्ड है।
दोनों में से अगर मैं खुद को अगर बेस्ट बताना हो तो मैं कोवैक्सीन को बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट का है। कोविशील्ड जो है वो प्राइवेट है और उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसको लगवाने के कारण आपको बुखार हो सकता है। देखो ये बोल रहा हूँ कि बुखार हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, तो बुखार होता है और उसके कारण से कई लोग क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग क्या है उसका टीका नहीं लगवाना चाहते हैं क्योंकि बुखार होता है, कई लोग उसके कारण मर गए हैं ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग खुद हमारे स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा के कुछ वचन सुन लेते हैं। अजय चंद्राकर जी ने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले एक प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 595 रुपए में 12% GST उसके अतिरिक्त, जब पूर्व में महाराष्ट्र सरकार ने 22 मार्च को ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल में ये 1400 में कैसे खरीद लिया। मान लीजिए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। उनको भली भांति ये मालूम होना चाहिए, कम से कम एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, कि इस बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, दवाइयों के दाम पे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, छत्तीसगढ़ सरकार ने 600 रुपए में जो वैक्सीन मिल जाता, 600 रुपए से भी कम दाम में अगर जो वैक्सीन मिल जाता उसको कितने में खरीदा, 1000 रुपए से भी ज़्यादा में खरीदा ना, तो मतलब एकक वैक्सीन के पीछे उन्होंने 500 से 600 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। समझिए, अगर मैं बाबा की बात को मान भी लूँ, सारे चीज़ जो बोल रहे हैं वो फैक्ट अगर मान भी लूँ कि हाँ उनका कहना है कि अभी के डेट में क्या उसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस कारण से हम लोगों ने महंगे रेट में खरीदा है, लेकिन अदर स्टेट वालों ने क्यों उसमें सस्ते में खरीदा, चीज़ों को सोचने वाला है ना। अदर स्टेट वालों ने सस्ते में खरीदा, अगर आपको खरीदना था तो आपने पहले क्यों नहीं ऑर्डर किया, बाद में क्यों ऑर्डर किया। हम लोग क्या इस दवा को जानबूझ करके महंगे में खरीदे, आप सभी खुद का सोचिएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद सोचो। हम लोग क्यों सिर्फ और सिर्फ यही 4-5 निर्माण कार्य पर क्यों रोक लगा दिए, हम लोगों ने क्यों नहीं जो राम वनगमन पथ बन रहा था उस पर रोक लगा दिया, चंद्रखुरी में जो कौशल्या माता का मंदिर बन रहा था उस पर क्यों नहीं रोक लगवा दिया, हज यात्रा के लिए जो मुसलमानों के लिए बन रहा था उस पर हम लोगों ने क्यों रोक लगवाया नहीं, क्योंकि वो धार्मिक रूप से देख लेते ना उसको, अगर रोक लगाया जाता तो उन सभी निर्माण कार्यों पर, क्यों, क्योंकि सीधा धर्म के खिलाफ हो गया। उनको क्या लगा एक ये वाला पिलर सही है, हम लोग अपना राज पॉलिटिक्स वाले को रोक लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ों को रोक लगाया जा सकता है। साथ ही साथ देखो जो युवा हैं, कई सारे लोगों को मैं बोला ना लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया आज के समय पर, उनका पर मंथ का सैलरी छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है। देखो मैं जस्ट बात करता हूँ प्रयोगशाला वाला एग्ज़ाम का, आज से पहले अगर 1.5 साल पहले उनको ज्वाइनिंग मिल जाता ना तो एकक बच्चे का 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी बनता, एकक स्टूडेंट का ना, और कितने सारे पोस्ट थे कैलकुलेट कर लो, कई अरबों रुपए का फ़ायदा ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार को हो गया सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग ना दे करके। दूसरा फैक्ट, छत्तीसगढ़ सरकार कई सारे, देखो अभी जैसे मंडी निरीक्षक का पोस्ट आया, साथ ही साथ मंडी निरीक्षक का पोस्ट आया और भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे छोटा मोटा संपरीक्षक का और कुछ कुछ चीज़ों का पोस्ट निकाल देता है, चाहे व्यापम के थ्रू निकलवा दे चाहे PSC के थ्रू निकलवा दे, एग्ज़ाम तो लेना नहीं है, तो लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, और फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से पैसा तो मिलता है, वो पैसा क्या बैंक में रखें, उससे ब्याज तो बनता है ना, कि पैसा कम होता है उतने पे फिक्स रहता है, उससे भी पैसा बनता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा आ रहा है। इसके आगे और देखते हैं अगर हम लोग, तो देखो हर राज्य को टैक्स की प्राप्ति होती है, दो प्रकार का कर राजस्व की प्राप्ति होता है। अगर एक हम सभी देखें, अगर टैक्स वाली बात करूँगा बस मैं, तो टैक्स में ही दो प्रकार का टैक्स राज्य को प्राप्त होता है, पहला जो राज्य खुद संचित करता है, मतलब राज्य जो कलेक्ट करता है वो वाला, और एक जो केंद्र कलेक्ट करके राज्य को देता है। हो सकता है अभी राज्य को केंद्र ना दे रहा हो लेकिन राज्य खुद भी तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना, वहाँ से तो राज्य को पैसे मिल रहे हैं ना। अगर मुख्यमंत्री दान वाला कोष बात करोगे आप सभी, तो मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था गोदावरी प्लांट का जो मालिक होंगे उन्होंने क्या किया था, 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जो सहायता वाला जो है फंड है उसमें दान दिया था। इस प्रकार से कई सारे लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसे जमा किए थे, कई लोगों ने अपने एक एक दिन का सैलरी जमा किया था, कई लोग नहीं चाहते थे फिर भी ज़बरदस्ती उनका एक दिन का सैलरी वहाँ पर डलवाया गया, तो उन सभी से भी तो आय की प्राप्ति हुई ना, और उन पैसे का क्या हुआ, चीज़ों को समझो। बहुत सारे प्रकार से राज्य को प्राप्त आय मिलता है, एक ही कोई सोर्स नहीं है। और एक चीज़ है, हाँ दारू बेच करके
आय का प्राप्ति होता है, नो डाउट। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा अपन लोग कोरोना टैक्स लगा करके जो पैसा यूज आ रहा है अपने को, तो उसको लगाओ ना कोरोना में, यहाँ तो लग नहीं रहा है। आप सभी के ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, अगर आपको भी कोई पॉइंट पता हो कि राज्य को इस स्रोत से भी आय की प्राप्ति होती है लेकिन राज्य उसका क्या कर रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज, कोविड का समय है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और साथ ही साथ टीका जरूर लगवाओ, चाहे कोविड से लगवाओ चाहे कोवैक्सीन लगवाओ। एक चीज, बुखार होगा लेकिन आप सभी ठीक भी हो जाओगे। थैंक यू।